ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आज अवमूल्यन मतलब डीवैल्यूएशन किसका हुआ है। लोग कहते हैं कि रुपए का डीवैल्यूएशन कम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इंसान का डीवैल्यूएशन हुआ है। आज परिवर्तन के युग में हम खुद को पिछड़ा दलित ही मानते हैं, क्योंकि संस्कार हमारी जन्म भुट्टी में इतना मिलाकर पिलाया गया है, नहीं तो आज हम भी आधुनिकता की इस दौड़ में आगे होते थे। आधुनिकता मतलब मॉडर्निटी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का युवा जिस तरह आदि होता जा रहा है, उससे तो सब सिद्ध हो जाता है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति, हमारी जो इंडियन कल्चर है, वो विलुप्त हो जाएगी। आज जिसे देखो पाश्चात्य संस्कृति का दीवाना बन चुका है। आधुनिकता हमारी रोम रोम में रच बस गई है, लेकिन आधुनिकता सिर्फ फैशन में ही नजर आ रही है। इसका वास्तविक अर्थ तो शायद ही किसी को पता होगा, बस भागे जा रहे हैं इस दौड़ में शामिल होने के लिए, कहीं भूल बस वो किसी से पीछे न रह जाए। भारत में तो वैसे भी एक कहावत स्टिक की बैठती है, गतानुगति लोक अर्थात नकल करने वाले। फैशन के इस दौर में सामाजिक मूल्य जो सोशल वैल्यूज हैं वो बदलते जा रहे हैं। दफ्तर में आज जो सबसे हसीन है उसका इंक्रीमेंट भी उतना अधिक है। लड़कों का बुरी तरह से अभिमूल्यन हुआ है, शायद उनका मूल्य डॉलर के मुकाबले और चवन्नी सी हो गई है। तो किसका अवमूल्यन हुआ है? बाकी एक कमी थी वो भी पूरी हो गई है। लोग समलैंगिकता के पक्षधर हैं, हो भी क्यों नहीं, आबादी पे अंकुश का इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं। वक्त बदल गया है, बॉस की बीवी घर पे और बॉस ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं। स्टेनो बॉस कुल्लू बना रही है तो बॉस स्टेनो कुल्लू बना रहे हैं, कमाल का धमाल है। आधुनिक मॉडर्न महिलाएं घर पर कम ऑफिस में ज़्यादा पाई जाती हैं। बॉस हैं तो बड़े आदमी हैं, लेकिन सर्जरी करा कर कॉस्मेटिक करा के लाल टमाटर बन के गोपियों को रिझाने पर आमादा होते हैं आज के बॉसेस, भले पूरा पपलू दिखे। पहले तो मूंछ के बाल गिरवी रखने से स्वर्णकार भी पैसे ब्याज पे देता था, आज रखने को मूंछ ही नहीं बची है, इसलिए स्वर्णकारों पर मंदी का दौर छाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कह क्या रहा हूं। पाश्चात्य सिविलाइजेशन के पीछे हम दीवाने होते चले जा रहे हैं। आधुनिकता सिर्फ फैशन में नजर आ रही है। टीवी और सिनेमा के फैशन पर दुनिया को देखकर लोग वही वस्त्र वही विचार अपनाते जा रहे हैं, जबकि वास्तविक आधुनिकता मनुष्य को जागरूक होकर जीना सिखाती है, कॉन्शियस थॉट्स सिखाती है, न कि बस ये फैशन को अपना लिया और बन गया आधुनिक। आज युग बदल गया है, जितनी ऊंची सैंडल की हील है वो लड़की उतनी सुशील कहलाती है। बस फर्क इतना है कि पहले जितना लंबा घूंघट होता था वो उतनी सुशील होती थी। आज संस्कृति के बस मूल्य बदल गए हैं। नारी तो वही है, वो शर्म वो हया जिसका हम वर्णन शास्त्रों में करते थे वो अब किताबों में लिखने की वस्तु होती चली जा रही है। हालांकि गलत भी नहीं है, आज हम तरक्की कर रहे हैं, आज हमारा युग बदल गया है, पर बेसिकली कहने का मतलब है हमको अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। आजकल हमारी कन्याएं मल्टीनेशनल ग्लैमर की चकाचौंध के आगे पुराने युग की अप्सराएं को भी मात दे रही है। हमारे भारत का गर्व सर गर्व से ऊंचा तो हो रहा है। आज हर एक कन्या विश्वामित्र के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी है। तो कहीं ना कहीं हम तरक्की कर रहे हैं पर हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, अमीर पहले वो था जिसके कई बेटे हुआ करते थे, आज अमीर वो है जिसकी सबसे ज्यादा काली कमाई है। हम भी ईश्वर से जाके शिकायत करेंगे, बस एक बार नेता बना देना, भले 5 साल के बाद मुझे वापस स्वर्ग बुला लेना, इतना ही बहुत है 10 पीढ़ियों के लिए। आज अश्लीलता तो
सड़कों पे घूमती है, इल्ज़ाम लड़कों के सर माथे पे आ जाता है। नाई की कैंची से ज़्यादा तेज़ ज़ुबान हो गई है। आज बहू सास से ज़बरदस्त झगड़ा करती है। बहू अब सास बन गई है। बीवी को देखने की गुस्ताखी, आप क्यों करते हो ये श्रृंगार तो पड़ोसियों के लिए। आजकल हमारी जनरेशन इतना स्मार्ट बन गया है कि बाप को कहता है कि आप अपने मज़े के लिए मुझे जन्म दे दिया है। आजकल जब बाप बेटे का झगड़ा होता है तो यही कहता है हर बेटा अपने बाप से। आधुनिकता अपनाना है तो रोज़ एक नई जिंदगी में प्रवेश कीजिए। हर चीज़ एक नया चीज़ सीखिए और सीखते हुए अपने कल्चर को मत भूलिए, नहीं तो हम फिर वही पिछड़े दलित कहलाएंगे और फिर अगर पिछड़ गए तो फिर आरक्षण आरक्षण चिल्लाएंगे। तो बेहतर है कि हम आगे बढ़े एक नई सोच के साथ, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को नहीं भूलते हुए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।